वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर से क्लास 12 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक तो प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, तो 5 से करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या करना है। ये जो है 5 से 10 तक जो क्वेश्चन है वो क्या करना है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है टेन इनवर्स है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स है। ठीक है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है रूट में, तो रूट को तो पहले हटाना पड़ेगा सिंपलेस्ट में करने के लिए। तो देखो ये चीज हम कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू अगर हम टेन थीटा पुट करते हैं तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ टेन थीटा ही क्यों पुट करेंगे, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो उसमें हम क्या लगा सकते हैं, तो हम sec या cosec का यूज कर सकते हैं, यानी 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, जो फॉर्मूला है मेरे पास 10 में जो हम पढ़े हैं, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा। दोनों को लगा के हम अप्लाई कर सकते हैं, हम इसमें से भी आंसर निकाल सकते हैं, इसमें भी आंसर निकाल सकते हैं, किसी एक को अप्लाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट को ही अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमको पुट करना है, मतलब यहाँ पर हम अगर टेन थीटा पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसके जगह पर sec स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे तो sec स्क्वायर थीटा से रूट अंडर से sec निकल जाएगा, रूट गायब हो गया, हमको रूट हटाना है। ठीक है, तो उस तरह से हम देख लेंगे, जो भी अप्लाई होगा उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों में से हम किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं, तो हम फर्स्ट को अप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या लिए, एक्स इक्वल टू ले लिए हैं टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, टेन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा, टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये टेन इनवर्स हो गया, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट अंडर में क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, ये रूट अंडर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, sec थीटा आ जाएगा, यही ना। तो यहाँ पर रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा आया, इक्वल टू क्या हो गया, sec थीटा, तो ये हो गया sec थीटा माइनस 1। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर तो नीचे मेरे पास टेन थीटा है, अब क्या करेंगे, देखो इधर टेन इनवर्स, हमको टेन से टेन कैंसिल होगा। ठीक है, ये कॉट में भी आएगा तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, sec थीटा माइनस 1 बाई टेन थीटा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम फॉर्म में ले आते हैं, साइन को उसके फॉर्म में ले आते हैं, तो sec थीटा क्या कर सकते हैं, 1 बाई कॉस कर सकते हैं, और ये माइनस 1 है, टेन को क्या कर सकते हैं, साइन बाई कॉस। अब इसको एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब न्यूमेरेटर में अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा हो गया, और नीचे में हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल, तो क्या हो गया, ये 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इस तरह से फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से फॉर्म में अगर आ गया मेरे पास तो क्या हो जाएगा, अब ये देखो, अब ये देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, कभी भी 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्म में रहेगा, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देना है, और 1 प्लस कॉस थीटा के जगह पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देना है, बस यही हमको याद रखना है, इसमें कोई सोचना नहीं है, जहां भी 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देना, 1 प्लस कॉस थीटा रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देना। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है तो क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये सब फॉर्मूला को आप एक जगह सेपरेट करके लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूलाज का यूज होगा, जब तक आपको फॉर्मूला लर्न रहेगा तो आप इसको नहीं कर सकते अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये स्क्वायर के साथ साइन थीटा बाई 2 कट गया, ये 2 भी कैंसिल, तो क्या बचा, साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, ये कितना हो गया, टेन थीटा बाई 2 हो गया। ठीक है, और इधर बाहर में तो टेन इनवर्स है ही, तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 आ गया, मीन्स क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स बाई 2, यानी 1 बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, तो यही आंसर होगा। इस तरह से ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 में जो दिया हुआ है, यहाँ पर टेन इनवर्स दिया 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ मोड एक्स इज ग्रेटर देन दिया है 1। ठीक है, इसका वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए एक्स का। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला केस में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है cot स्क्वायर थीटा। हम दोनों में से किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट को ही अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट के लिए क्या होगा, इसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर्म के लिए हम दोनों में से, ये दोनों में से किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लगाते हैं, तो इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स को हमको sec थीटा लेना पड़ेगा, तब आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के प्लेस पर ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x इक्वल टू sec थीटा ले लेंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, sec इनवर्स x हो गया। अब ये जो फॉर्म है, y का वैल्यू tan इनवर्स क्या है, 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बाय रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि x के प्लस पर हम sec थीटा लिए है ना, तो इस तरह से आ गया।
तो रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, और रूट में टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो यहाँ पर क्या आ गया, कन्वर्ट हो गया मेरे पास टेन इनवर्स वन बाय टेन थीटा, इस तरह से आ गया। तो ये हो गया टेन इनवर्स, कितना हो गया ये कॉट थीटा, कॉट थीटा हो गया। तो ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स, अब कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, इनवर्स से टेन कैंसिल, तो क्या आ गया मेरे पास पाई बाई टू माइनस थीटा। तो ये हो गया आंसर पाई बाई टू माइनस sec इनवर्स x, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन जो है, टेन इनवर्स है वन माइनस कॉस थीटा बाय वन प्लस कॉस थीटा, रूट अंडर में। अब हम क्या बताए हैं, वन माइनस कॉस थीटा जहां भी रहेगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू लिख देना है, और वन प्लस कॉस थीटा जहां भी रहेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू लिख देना, ठीक है, इसमें सोचने वाली कुछ बात नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, y इक्वल टू टेन इनवर्स हो जाएगा रूट अंडर टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, और ये वन प्लस कॉस थीटा की जगह पर टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, ये कट गया, ठीक है, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, क्या हो जाएगा रूट अंडर में टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, और रूट से रूट अंडर में टेन स्क्वायर थीटा बाय टू है तो रूट आउट होगा, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा बाय टू, और ये टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो क्या आ गया थीटा बाय टू, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थीटा बाय टू। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एट जो है, यहाँ पर दिया टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, इस तरह से है क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर इधर क्या है, टेन इनवर्स है और इधर है कॉस साइन के फॉर्म में, तो क्या करेंगे, इसको टेन या कॉट के फॉर्म में लाएंगे तो मेरे पास इससे आ जाए, क्योंकि टेन इनवर्स है तो टेन में ही हमको लास्ट में लाना पड़ेगा, तभी ना कैंसिल होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, या तो हम इसको टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम कॉस से डिवाइड करके भी ला सकते हैं या साइन से भी डिवाइड करके ला सकते हैं, ठीक है, टेन या कॉट किसी में भी लाएंगे तो मेरे पास टेन में आ जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेन में लाना है तो डायरेक्ट कॉस से ही पहले डिवाइड करते हैं, तो दोनों में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, इस तरह से आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो ये क्या हो गया कॉस एक्स बाय कॉस एक्स वन हो गया, साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या हो गया टेन एक्स हो गया, कॉस एक्स बाय कॉस एक्स वन हो गया, प्लस हो गया साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या हो गया टेन हो गया, इस तरह से टेन एक्स में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया टेन इनवर्स हो गया, ये वन का वैल्यू क्या होता है टेन पाई बाई फोर होता है, माइनस टेन एक्स बाई क्या हो गया वन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, चलो यहाँ पर नहीं लिखते, फॉर्मूला हमको लाना है, ये फॉर्मूला एज्यूम करके रखेंगे, जैसे फॉर्मूला टेन में इस तरह का किसका आता है टेन ए माइनस बी का आता है, टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है, इस तरह से आता है। तो यहाँ पर हम पाई बाई फोर लिखे हैं, माइनस टेन एक्स हो गया और ये वन हो गया, प्लस टेन एक्स है और टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम वन कर सकते हैं कि नहीं, टेन एक्स को टेन एक्स इंटू वन लिख सकते हैं, और वन के प्लस पर टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं, क्योंकि टेन फोर्टी फाइव डिग्री का वैल्यू कितना होता है वन होता है। तो ये इस फॉर्म में एकदम आ गया, ठीक है, तो इसके फॉर्म में आ गया, तो ए की जगह पर क्या है टेन पाई बाई फोर, और बी की जगह पर क्या है यहाँ पर एक्स है, मतलब पाई बाई फोर है ए की जगह पर और बी की जगह पर क्या है एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, ये टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, इस तरह से आ गया। तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो क्या आ गया पाई बाई फोर माइनस एक्स, इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक है। आप देखते हैं इसी तरह से नाइन का जो है, नाइन में देखो यहाँ पर नाइन में दिया है टेन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, समझो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमको इससे नहीं देखना, हमको क्या करेंगे इस तरह का फॉर्म में देखेंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर को हटा दो, क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास यहाँ ए स्क्वायर रहता तो क्या हो जाता यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ए वाला टर्म को हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वन माइनस एक्स स्क्वायर किस में अप्लाई कर सकते हैं, जब भी वन माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा या तो साइन या कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा टेन या कॉट में कन्वर्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन रहेगा तो सेक या कोसेक में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से कैसे आएगा, मेरे पास क्या होना चाहिए, अगर ये रहेगा माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा, तब हम उसमें से ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो वैल्यू है मेरे पास एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इस तरह से कैसे लाएंगे, इस तरह से लाएंगे हम कैसे, यहाँ पर देखो ये जो है एक्स को जो है हम ए साइन थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो इसको अगर हम एक्स को लिए ए साइन थीटा, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्स बाई ए इक्वल टू साइन थीटा हो गया, थीटा इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। तो अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे y इक्वल टू क्या है टेन इनवर्स है ए साइन थीटा बाई है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा बाई रूट अंडर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से आया, ठीक है, समझो। यहाँ पर इसमें से रूट ए स्क्वायर में ए निकल गया, अब ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा,
तो कॉस स्क्वायर थीटा से क्या निकलेगा, कॉस निकलेगा रूट से, तो इस तरह से आ गया फॉर्म में। इसीलिए हम इसको क्या लिए थे, ए साइन थीटा लिए थे, इसको कॉमन आउट लेने के लिए, ठीक है। और उसके बाद तो इस तरह का फॉर्म में आ गया, तो ये हो गया मेरे पास ए साइन थीटा बाय ए कॉस थीटा, ए कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना आ गया, टेन थीटा, टेन थीटा आ गया, तो टेन इनवर्स ये कैंसिल, तो आ गया आंसर मेरे पास थीटा। अब थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो यही हो गया इसका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। देखो इसी तरह से ये जो टेन नंबर है, टेन भी है, इसमें दिया है टेन इनवर्स है थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, देखो यहाँ पर किस तरह से आएगा बाद में पता चलेगा, पहले हम यहाँ अप्लाई कर लेते हैं, देखो किस क्यों लिए हैं ये आपको इसी में पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम a tan थीटा लेते हैं, देखो अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, कन्वर्ट पहले करते हैं x by a equal to tan थीटा हो गया, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x by a, ये तो मेरे पास बाद में जरूरत पड़ेगा इसके लिए कर लिए। आप देखो यही हम क्यों लिए हैं, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर y इक्वल टू टेन इनवर्स है, अगर हम x की जगह a tan थीटा लगा दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, थ्री ए स्क्वायर इंटू ए टेन थीटा माइनस ए क्यूब हो गया इंटू टेन क्यूब थीटा एक्स क्यूब की जगह पर, ठीक है। तो आप देखो यहां पर आप क्या करेंगे, ये है नीचे में मेरे पास ए क्यूब है माइनस थ्री ए इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हम क्यों लिए देखो आप समझ में आएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ये थ्री ए क्यूब हो गया माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा हो गया ये, और ये हो गया ए क्यूब माइनस थ्री ए क्यूब टेन स्क्वायर थीटा, समझो। यहां पर आप दोनों में से अगर हम a क्यूब कॉमन लेते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो क्या आ जाएगा, अंदर में आ जाएगा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये कैंसल हो गया। तो यहां पर क्या हो जा रहा है, देखो इस तरह से आ रहा है टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह से आ गया फॉर्म में, ये आ गया, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा हम क्यों लिए हैं एक्स इक्वल टू जो टेन थीटा लिए हैं, तो थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थ्री थीटा, ठीक है। ये हमको इसको शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए करना था, ये फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए। और ए क्यूब लिए, ए क्यूब को हमको बाहर करना था क्योंकि फॉर्मूला में कहीं पर ए नहीं रहता है, तो उसको आउट करने के लिए हम इस तरह से ए टेन थीटा लिए थे, तो ये आ गया टेन थ्री थीटा इसका इसके प्लेस पर, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, ये अगर कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, थ्री थीटा, तो ये हो गया थ्री थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे टेन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर टेन तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।